नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि नए शिक्षक नियमावली के तहत जो राजकर्मी का दर्जा है वो बीपीएससी के थ्रू दिया जाएगा, इस पर वो लगातार प्रदर्शन भी जारी रखे हुए हैं। वहीं अगर हम सीपीआई माले की बात करें तो माले विधायकों का भी कहना है कि शिक्षक नियमावली को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला लिया है वो फैसला दरअसल गलत है। साथ ही साथ कल बीते दिनों सीपीआई माले के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, विधायक हैं, वो राजद, जेडीयू और कांग्रेस के नेता लोग से मुलाकात किए हैं। मुलाकात करके उन्होंने शिक्षक नियमावली को लेकर अपना जो विरोध है, अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही है, दरअसल उनका कहना है कि शिक्षक नियमावली को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला लिया है वो दरअसल फैसला जो है वो गलत है और उसको वो वापस लें। वाम दल के नियोजित शिक्षकों की परीक्षा का विरोध करते हुए राजद, जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है। कहा है कि परीक्षा की कोई शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए, इस मामले में वार्ता के जरिए गतिरोध समाप्त किया जाना चाहिए। वाम दल के सभी घटकों के प्रतिनिधि मंडल में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से मुलाकात कर कहा है कि महागठबंधन 2020 के घोषणा पत्र के अनुसार सभी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। वाम नेताओं की टीम ने भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल, वरिष्ठ नेता केडी यादव, भाकपा के राज्य सचिव रमनेश रेस पांडे और जानकी पासवान और भाकपा के सचिव राज्य मंडल के सदस्य अरुण मिश्रा भी शामिल रहे। को बताते चले कि नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सुधार की मांग को लेकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से भी सोमवार को नियोजित शिक्षकों ने राज्य भर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। शिक्षकों ने प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों ने नए नियमावली को रोष जताने के लिए साथ टीट समेत सभी नियोजित शिक्षकों के लिए धोखा बताया। उन्होंने कहा है कि जब तक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतन, बढ़ोतरी या वाजिब की बात नहीं करेगी, सरकार नई नियमावली लाकर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेती है। उन्होंने कहा है कि नई नियमावली 2006 में ही 8 साल पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत देने पर सरकार ने वादा किया था, लेकिन जब समय आया तो नई नियमावली ला दी गई है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है नए शिक्षक नियमावली को लेकर नए नियम निकाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके ही पार्टी के लोग जो हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ माले के विधायक जो हैं वो लगातार शिक्षक नियमावली को लेकर उनका प्रदर्शन जारी है, जहां एक तरफ अब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो मांग की ही थी, लेकिन अब बीते दिनों कल वो राजद, जेडीयू और कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है और मुलाकात करके नए शिक्षक नियमावली में जो सुधार करने की जो है बात कही गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।